सीएम आवास पर आयोजित हुई एक हाई लेवल बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राज्य के सभी शासकीय कार्यालय आने वाले 3 महीनों तक 5 ही दिन काम करेंगे। कार्यालय अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे और शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंदौर में हाहाकार मच गया है। अक्टूबर से फरवरी तक में केस घटने पर कंपनियों ने प्रोडक्शन घटाया था। कोरोना फिर घातक हो गया है, ऐसे में अब कंपनियां 24 घंटे प्रोडक्शन के बावजूद डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं। 25 मार्च के बाद तेजी से डिमांड बढ़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में फिलहाल टोटल लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। सभी जिलों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने एमपी का नया मतलब गढ़ा। सीएम ने कहा, एमपी मतलब मास्क पहनना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए शिवराज सरकार ने छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल रात 8 बजे से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें निर्णय लिया गया। इंदौर में बीजेपी के नेता फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने मंगलवार आधी रात आजाद नगर में जमकर आतंक मचाया। नशे में वह कार दौड़ाता रहा, इस दौरान उसने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, इससे कुछ लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना जागरूकता को लेकर शुरू हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने भी समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, शिवराज सरकार द्वारा मास्क अप एमपी अभियान को मेरा भी समर्थन है। मैं स्वयं भी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4043 पॉजिटिव केस मिले हैं। हालातों के बिगड़ने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पॉजिटिविटी रेट 12% पहुंच गया है। मौतों का आंकड़ा 4086 हो गया है। इसमें 6 अप्रैल की 13 मौतें भी शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के बाद बड़वानी, उज्जैन और उमरिया में 100 से अधिक केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूरी मध्य प्रदेश में 9 और 10 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राजधानी में भी गुरुवार शाम को बादल छाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि गुरुवार शाम को भोपाल में भी बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब सरकार ने सरकारी दफ्तरों में भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क लगाकर काम करना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से ₹500 काटे जाएंगे।